वैशाली एसपी के निर्देश पर पुलिस ने गंगा ब्रिज थाने के तेरसिया और सरायपुर गांव के पास गंगा नदी किनारे अवैध देशी शराब के एक दर्जन से अधिक भट्टी को नष्ट किया है। राघोपुर में 5 लोगों की मौत के बाद वैशाली पुलिस लगातार देशी शराब भट्टी को नष्ट करने में जुटी है। पुलिस को सूचना मिली है कि वैशाली जिला में गंगा और गंडक के किनारे बड़े पैमाने पर अवैध देशी शराब का भट्टी चलाया जा रहा है। यहां का तैयार देशी शराब नाव के जरिए राजधानी पटना भी भेजा जाता है और स्थानीय बाजार में भी बेचा जाता है। आप देख सकते हैं कि पुलिस शराब भट्टी को किस तरह नष्ट कर रही है। सदर SDPO राघव दयाल के नेतृत्व में कई थाना की पुलिस शराब भट्टी को नष्ट कर रही है। सैकड़ों लीटर कच्चा जाबा शराब को नष्ट किया गया है, साथ ही सैकड़ों लीटर तैयार देशी शराब जिसे ट्यूब में रखा था उसे भी जब्त कर पुलिस थाना लाई है। शराब बनाने के उपकरण को आग के हवाले कर दिया गया है। हम लोग 3-4 दिन से अवैध शराब के कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। दियारा क्षेत्र में कार्रवाई चल रही थी, उसी कड़ी में आज लिटियाही दीवान टोप में भी कार्रवाई की गई है। भट्टियाँ ध्वस्त किया गया है, करीब 150 के आसपास देसी शराब का भी बरामदगी किया गया है। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज पेपर दरभंगा।